इस सर्दी के मौसम में मैंने आज डिनर में क्या बनाया, देखना चाहते हैं? तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी सीरीज की फोर्थ रेसिपी, मेथी चिकन। अगर आपने मेरे लास्ट 3 रेसिपीज नहीं देखे हैं तो मैं लिंक ऊपर आई बटन में मेंशन करके रखूंगी, प्लीज़ इसे चेक कर लेना। मेथी चिकन का सबसे पहला इंग्रेडिएंट ऑफ कोर्स मेथी लीव्स है, जिसे मैंने क्लीन करके चॉप करके रखा हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ पे कोरिएंडर सीड्स को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और ये थोड़ा कूल डाउन हो जाने के बाद इसका मैं पाउडर बनाऊंगी ब्लेंडर में। तो चलिए अभी मैं कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है, कढ़ाई गर्म हो चुका है और इसमें मैं करीब 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। मैं सारी इंग्रेडिएंट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करके रखूँगी, आप प्लीज़ चेक कर लेना। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया हुआ है। तो जब तक तेल गर्म हो जाता है मैं यहाँ पे मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे एक बोल कर्ड लिया है, अच्छे से बीट किया है उसको। इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, गरम मसाला और जो कोरिएंडर सीड्स को मैंने रोस्ट करके पाउडर बनाए थे वो मैंने अभी ऐड कर दिए। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किए हैं। और इसे मुझे अच्छे से एक मिक्स देना है और इसे फिलहाल साइड में रखना है थोड़ी देर। तो तेल गरम हो चुका है और सबसे पहले मैंने तेज पत्ता ऐड किए हैं। इसके बाद मैं क्यूमिन सीड्स या जीरा सीड्स ऐड कर रही हूँ। तो जीरा और तेज पत्ता थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद अभी मैंने यहाँ पे चॉप अनियंस ऐड किए हैं। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के अनियंस लिए हैं। अनियंस को थोड़ा जल्दी फ्राई होने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिए हैं। अनियंस के अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद अभी मैंने जो मिक्सचर बनाया था कर्ड और बाकी मसालों का वो मैंने अभी ऐड कर लिए हैं और इसे मुझे एक अच्छा सा मिक्स देना है और इसे कुक करना है फॉर अराउंड 5 to 10 मिनट्स। तो करीब 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं, इससे प्यारा सा एक कलर आया हुआ है। और अभी मैं जो चिकन है वो मैं अभी ऐड कर रही हूँ। और इसे मुझे एक अच्छा सा मिक्स देना है और करीब 5 मिनट के लिए इसे कुक करना है। करीब 5 मिनट के बाद जो मेथी लीव्स मैंने चॉप करके रखे हुए थे वो मैं ऐड कर रही हूँ चिकन में। और इसे मुझे इवनली अच्छे से पूरी चिकन के साथ इसे मिक्स करना है। मेथी लीव्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद मुझे इसे करीब 10-15 मिनट के लिए कवर करके रखना है। तो
करीब 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा रेसिपी मेथी चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई पानी ऐड नहीं किया है, आप चाहे तो आप ऐड कर सकते हो। तो आज की डिनर में मेथी चिकन के साथ मैं तो रोटी ले रही हूँ, आप इसे पराठा के साथ भी खा सकते हो, राइस के साथ भी खा सकते हो। ये रेसिपी इस विंटर्स में ज़रूर ट्राई करना और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने किसके साथ मेथी चिकन को ट्राई किया है। और ये है मेरी डिनर का फाइनल लुक, रोटी, मेथी चिकन और अनियन स्लाइसेस। मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे देना।